इम्पोर्टेंट, काफी लोग परेशान रहते हैं कि भाई जब गाड़ी का एक बार लॉक अनलॉक करो ना, तो केवल ड्राइवर साइड अनलॉक होती है, बाकी वाले डोर्स अनलॉक नहीं होते हैं। तो वो फीचर आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ ड्राइवर डोर को हटा के ऑल डोर्स कर दिया है। मोड वाइल्ड आइडलिंग स्टार्ट स्टॉप, तो मैंने उसको इकोनॉमी पे कर दिया है। तीन मोड है, स्टैंडर्ड, इकोनॉमी, कम्फर्ट। तो ये एसी मोड आप इकोनॉमी, स्टैंडर्ड, कम्फर्ट के हिसाब से भी चूज कर सकते हैं। ये भी फीचर अच्छा है। तो आप देख सकते हैं इस नॉब पे ये हल्के से साइन बने हुए हैं, ये छोटे छोटे साइन दिख रहे हैं। अब अगर मैं इसको ऐसे करके राइट साइड पे मोड़ू ना, तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे से सर्कल बन के आगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नए फ्रेश वीडियो में, जिसमें आज हम लोग फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस के जितने भी फीचर्स आते हैं, चाहे वो MID के हो, चाहे वो ये वाली टच स्क्रीन के हो, आज हम लोग सारे एक एक करके सारे आपको सारे फीचर एक्सप्लेन करूंगा। एंड जो जो मुझे लगता है कि ये फीचर्स एक्सप्लेन करे जाने चाहिए, एंड मैंने काफी सारे इसके बुकलेट वगैरह पढ़ी है, जो जो फीचर्स मुझे लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं सोचता हूँ कि आपके साथ भी मुझे वो बता देनी चाहिए। तो एक एक करके आपको सारे फीचर बताता हूँ। स्टार्ट करता हूँ मैं MID सेक्शन से, एंड इसमें बताऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा ब्लू स्क्रीन में, क्योंकि बहुत सारे यूनिक फीचर्स भी हैं एंड बहुत सारे फीचर्स हैं वो काफी सारे काम के भी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग MID की। तो इस तरफ जो है आपकी, आपको स्पीड देखने को मिल जाएगी, एंड इस तरफ आप देखते हैं अगर आपकी कोई सीट बेल्ट नहीं लगी है तो आपको इस साइड सीट बेल्ट का भी साइन आ जाएगा। इधर आपको देख सकते हैं अभी फ्यूल नहीं है, ये देख सकते हैं इसमें फ्यूल की लाइट जलने लगी है। अब अगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे देख सकते हैं ये फ्यूल का यहाँ पे ब्लिंक करने लगा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अब ये बिल्कुल रिजर्व में लग चुकी है। जब ये फ्यूल जल जाता है तो अब ये जब ब्लिंक नहीं करता है ना, तो यानी कि अभी है तेल, बट अब ये ब्लिंक करने लगा है, यानी कि अब ये रिजर्व में आ चुकी है। ठीक है, एक और चीज, अब अगर मैं बात करूँ ये वाले जो आपके नॉब्स हैं, इस वाले नॉब से क्या होता है, तो अगर मैं इसको एक बार क्लिक करूँ तो आपकी ऑल टाइम जो ऑडोमीटर का जो है वो लेंथ वो आ जाती है। ये देख सकते हैं 499 चल चुकी है। एक बार और क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं ट्रिप ए आ चुकी है। अगर मैं थोड़ी देर से प्रेस करूंगा तो ट्रिप पे गायब हो जाएगी। एक बार और क्लिक करा, ट्रिप भी आ गई एंड दोबारा से ऑडोमीटर। तो इस वाले का काम बस इतना सा ही है। अब अगर मैं इधर वाली साइड के इस वाले नॉब की बात करूं, तो अगर मैं इसको एक बार क्लिक करता हूं तो इसमें ऑल टाइम एवरेज जो है गाड़ी का वो दिखा रहा है 14.8। ये आ रहा है रेंज, क्योंकि अब इसमें पेट्रोल नहीं है इसलिए कोई रेंज नहीं दिखा रहा है। गाड़ी जब चलती है तो ये रेंज एक्टिवेट हो जाती है, और ये आ रहा है जो रियल टाइम माइलेज दिखाता है गाड़ी का चलते समय वो आता है। अभी कोई गाड़ी खड़ी हुई है इसलिए कोई भी रियल टाइम माइलेज नहीं दिखा रहा है। अब अगर आप लोगों को मैं ध्यान से दिखाऊं एक चीज, देखते हैं इस नॉब पे ये हल्के से साइन बने हुए हैं, ये छोटे छोटे साइन दिख रहे हैं। अब अगर मैं इसको ऐसे करके राइट साइड पे मोड़ू ना, सकते हैं MID पे छोटे छोटे सर्कल बन के आने लगे। ये MID का जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है उसको करता है। अगर मैं राइट साइड बढ़ाते रहूं तो देख सकते हैं MID की ब्राइटनेस कितनी तेज हो गई है। लेफ्ट साइड अगर उसको रोटेट करता रहूं तो MID की ब्राइटनेस जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो आप MID की ब्राइटनेस भी अगर आपको लग रही है तेज ज्यादा, तो आप इसकी मदद से MID की ब्राइटनेस को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। अब ये वाला तो सारा पार्ट हो गया, अब चलते इस साइड एंड बात करते हैं इन सब फंक्शंस की। देख सकते हैं इस इधर जो फंक्शंस है, ये वाला जो है ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल है, ये आपका जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाला ये वो है, एंड ये आपका लेवलर है। तो आप इसके हिसाब से अपनी जो आगे की लाइट्स है उसको लेवल अप कर सकते हैं। ऊपर ऊपर ज्यादा ऊपर ऊंची होती है, नीचे कम हो जाती है। अब अगर आपको स्टार्ट स्टॉप बंद करना है, और मैं बता दूं स्टार्ट स्टॉप आपका जो है अगर आप यहाँ से बंद करते हैं तो एक बार जब तक आपने गाड़ी ऑन रखी है, मतलब चाबी लगी हुई है, जब तक गाड़ी बंद नहीं होती है तब तक ये एक्टिवेट होता है। वरना अगर आपने बंद भी कर दिया है तब ये दूसरी जैसी आप सेल्फ मारोगे तब ये दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपको इसका ध्यान रखना है। एंड ये जो है ट्रैक्शन कंट्रोल, अब जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो किस हिसाब से वर्क करता है, अगर आप वैसे तो इसको हमेशा ऑन रखना चाहिए, बट अगर आप कोई ऐसी गाड़ी चला रहे हो ऐसी रूट पे जहाँ बहुत मडी है, जहाँ बहुत आइसी है, तो उस सिचुएशन में आपको जो है ट्रैक्शन कंट्रोल वो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उस समय आपको थोड़ा ग्रंट चाहिए। इसमें क्या है, आपका टायर रोड चपक के चलता है। हाईवेज वगैरह पर चला रहे हो, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में चला रहे हो, तो आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन करके चला करो, बट कोई मडी प्लेस पर जहाँ पे गाड़ी फंस रही है, अटक रही है, उस जगह पर आपको ये ट्रैक्शन कंट्रोल बंद कर देना चाहिए। अब ये बंद कैसे होता है, आपको सिंपली क्या करना है, देख सकते हैं अभी ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है। अगर मुझे इसको बंद करना है तो मुझे सिंपली क्या करना है, थोड़ी देर तक इसको प्रेस रखना है। देख सकते हैं थोड़ी देर तक मैंने प्रेस रखा, एंड आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो ऑफ हो गया। अब ये ट्रैक्शन कंट्रोल है ये भी सेम इसके तरह ऑटो स्टार्ट स्टॉप की तरह काम करता है। जितनी देर तक आप गाड़ी चलाओगे, जैसे अभी सेल्फ लगा हुआ है, एक पूरा रन जब तक ये सेल्फ बंद नहीं कर दूंगा तब तक ये ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो ऑफ रहेगा। जैसे मैंने गाड़ी की चाबी निकाल दी एंड दोबारा स्टार्ट करूंगा, देख सकते अभी देखो मैं चाबी हटा देता हूँ एंड बंद कर देता हूँ। ये निकाल के मैंने चाबी निकाल ली है, आपके सामने निकाल ली। अब अगर मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा, जो भी चीज़ मैंने ऑन ऑफ करी थी वो सब कुछ बंद हो जाएगी। देख सकते हैं वो जो ट्रैक्शन कंट्रोल बंद करा था वो भी सब बंद हो गया, एंड जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप बंद करा था वो भी सब बंद हो गया। तो ये जो चीज़ है ये केवल एक टाइम तक ही ऑन रहती है। जैसे ही आप सेल्फ लगा के दोबारा चाबी निकाल के दोबारा से स्टार्ट करोगे, ये दोबारा से सारी चीज़ जो है वो अपने डिफॉल्ट सेटिंग पे आ जाएगी। तो ये तो सारी बात हो गई MID की। अब बात करते हैं इस साइड,
ये जो हमारी स्क्रीन है इसकी बात करते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं जो ये वाली स्क्रीन है इसमें बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे फंक्शन, जो एक एक करके बताता हूं मैं। सबसे मेजर फंक्शन जो बताता हूं आपको, अगर आप सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में चल के अगर आप देख सकते हैं चार तरह की सेटिंग्स, एक है सिस्टम सेटिंग्स है, एक है मीडिया सेटिंग है, एक है कनेक्टिविटी सेटिंग्स है, और लास्टली जो सेटिंग है व्हीकल इन्फॉर्मेशन सेटिंग्स है। अब अगर व्हीकल इन्फॉर्मेशन सेटिंग्स में हम लोग अलर्ट्स में जाएं तो आप देख सकते हैं बहुत सारे अलर्ट्स हैं। शुरू शुरू में जब गाड़ी चला रहा था बड़ी अनोइंग सी लग रही थी, तो मैंने जैसे कुछ, जैसे इसमें क्या होता था सीट बेल्ट का, यहाँ तो जो बचता है वो बचता ही है, साथ ही साथ ये जो स्क्रीन है ये भी बोलती रहती थी सीट बेल्ट लगाओ सीट बेल्ट लगाओ, तो मैंने यहाँ से ये बंद कर दिया है, देख सकते हैं आप। लो फ्यूल भी हो रहा है तो ये भी बोलती रहती थी लो फ्यूल, तो ये भी बंद कर दिया है। बाकी एक चीज अच्छी की जगह से बाई चांस कभी कभार गलती से पार्किंग ब्रेक लगे रह जाते हैं, तो उस केस में पार्किंग ब्रेक का ये बोलती रहती है, तो ये वाला फीचर अच्छा लगता है, ये इसलिए मैंने ऑन कर रखा है। तो आप यहाँ से कोई भी अगर आपको फीचर फंक्शन ऑन ऑफ करने हैं तो आप कर सकते हैं। अब चलते हैं वापस बैक, एंड यहाँ से आपको देख सकते हैं अलर्ट नोटिफिकेशन वगैरह ये ऑन है, अगर नहीं करोगे तो बंद हो जाएंगे। तो बात करता हूँ एक और इम्पोर्टेंट फीचर की जो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेन स्क्रीन पर ना आपके तीन ऑप्शन आते हैं, आता है आपका जो टाइम चल रहा है, जो म्यूजिक प्ले हो रहा है, एंड ये एवरेज। ये बहुत अच्छा फीचर है, इसमें आपको बेसिकली क्या होता है आपका जो ऑल टाइम एवरेज वो दिखाता है, साथ ही साथ आपको रेंज भी दिखाता है, तो वो ये चीज़ यहाँ भी दिखाते हैं एंड स्क्रीन पे भी दिखाते हैं, ये अच्छी चीज़ है। अब इसके अंदर भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि ये क्या करता है, अब जैसे जैसे आप गाड़ी चलाते रहोगे वैसे आपकी हिस्ट्री भी रखता है, कि जैसे देख सकते हैं एवरेज स्पीड, एंड ये एवरेज स्पीड की भी हिस्ट्री रखता है कि आपका करंट ड्राइव टाइम क्या था, वन ड्राइव माइलेज क्या था, एंड आपकी एवरेज स्पीड क्या थी, मतलब चार पांच आपकी जो राइड्स होती है ना उसको मिला के। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, साथ ही साथ इसका जो फ्यूल इकोनॉमी है ये भी आपकी मल्टीपल जो आपकी हिस्ट्री है उसके हिसाब से रखता है। जैसे आपकी अभी जैसे कुछ इतना बड़ा कोई ज़्यादा ट्रिप ट्रिप नहीं मारी है, जैसे ही मैं इस गाड़ी में चार पांच ट्रिप्स मार लूँगा तो आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर जो आपकी एवरेज हिस्ट्री है फ्यूल इकोनॉमी की वो भी यहाँ डिस्प्ले करता है। एंड आपकी स्क्रीन पे अभी जो इसकी बुकलेट है वो भी आपको दिख रही होगी, जिसमें पूरा मेंशन कर रखा है कि कैसे आप इसकी हिस्ट्री वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। तो ये फीचर बहुत अच्छा है, तो इसका यूज़ करके आप आराम से फ्यूल, अपनी एवरेज स्पीड, आपकी जो फ्यूल इकोनॉमी है, कि आपकी लॉन्ग टर्म फ्यूल इकोनॉमी अगर आप चेक करना चाहते हो, आप बेसिकली अगर आप इस टाइप के बंदे हो, खुराफाती बंदे हो, जिसको थोड़ा सा नंबर गेम का शौक है, तो आप इसका कर सकते हो। ये चीज़ हो गई। अब अगर दूसरी चीज़ की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि भाई जब गाड़ी का एक बार लॉक अनलॉक करो ना तो केवल ड्राइवर साइड अनलॉक होती है, बाकी वाले डोर्स अनलॉक नहीं होते हैं, तो वो फीचर आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ ड्राइवर डोर को हटा के ऑल डोर्स कर दिया, तो जैसे बटन दबाता हूँ तो ऑल डोर्स अनलॉक हो जाते हैं, ये फीचर अच्छा है। अब अगर मैं एक और चीज़ की बात करूँ, एसी मोड वाइल्ड आइडलिंग स्टार्ट स्टॉप, तो मैंने उसको इकोनॉमी पे कर दिया है। तीन मोड है, स्टैंडर्ड, इकोनॉमी, कंफर्ट, तो ये एसी मोड आप इकोनॉमी, स्टैंडर्ड, कंफर्ट के हिसाब से भी चूज कर सकते हैं, ये भी फीचर अच्छा है। अब अगर और बात करूँ मैं फीचर्स की, तो अगर अब मैं म्यूज़िक की अगर बात करूँ, तो म्यूज़िक में आपको यहाँ पे तीन मोड्स हैं, बेस, मीड और ट्रैवल, तो ये तो सारी चीज़ हो गई। एंड मैं पर्सनली बताऊँ जो इक्वलाइजर सेटिंग्स है वो हिप हॉप पे बहुत बड़े काम कर रहा है, तो आप हिप हॉप पे अगर सेलेक्ट करके म्यूज़िक चलाओगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एक और फीचर की बात करूँ, अगर जैसे आप रिवर्स मारते समय चाहते हो कि म्यूज़िक कम हो जाए, तो आप ये वाली सेटिंग ऑन कर सकते हो, तो इससे आपकी जो म्यूज़िक है वो उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी जैसे ही रिवर्स गियर मारोगे, ये भी चीज़ अच्छी होगी। अब अगर मैं एक और चीज़ बताऊँ, अगर आपने इस टाइप का कैमरा लगवाया है तो देख सकते हैं आप, एंड अगर आपको ये इस टाइप की कार बनी आनी चाहिए, अगर आपको लगता है तो आप सिंपली सेटिंग में जाओ एंड यहाँ पे जो पार्किंग असिस्ट है ऑन कर दो उसको, जैसे इस केस में ऑफ कर दो, ऑफ था ही पहले, तो यहाँ पे कार बन के नहीं आ रही थी। इससे फ़ायदा ये होता है जैसे जिस भी साइड का सेंसर पास आने लगता है तो उसके बाद वो वाले साइड का सेंसर बजने लगता है, तो आपको आइडिया लग जाता है कि लेफ्ट साइड से गाड़ी लगने वाली है, राइट साइड से लगने वाली है, मिडिल से लगने वाली है, तो इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। अब अगर हम स्टीयरिंग की बात करें, क्योंकि स्टीयरिंग पे जो है क्रूज कंट्रोल नहीं आता है, तो इस साइड पे आपके मोड्स आते हैं, इस साइड से आप जैसे मोड्स चेंज कर सकते हो, FM लगाना FM लगा लो, आपको AM लगाना AM लगा लो, तो बेसिकली मोड्स का यूज़ करके आप अपने जो भी मोड ऑफ साउंड सुनना चाहते हो वो सुन सकते हो। इस इन दोनों से आप जो गाने आगे पीछे कर सकते हो, ऊपर नीचे करने से वॉल्यूम जो है अप डाउन कर सकते हो, इधर से आप फ़ोन उठा सकते हो, काट सकते हो, एंड ये वाले को थोड़ी देर प्रेस करोगे तो आपका जो वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर अगर आप थोड़ी देर प्रेस करोगे और आपको एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करना है, तो उसकी मदद से आपका जो यहाँ का मारुति सुजुकी है वो डिस्कवरेबल हो जाएगा, एंड फिर आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं आपको पूरा समझाऊंगा कैसे आप एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्ट करते हो, तो मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये सारी फीचर्स हो गई। अब इधर तो कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, इधर साइड आपकी USB भी आती है, तो अगर आपको USB से वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्ट करना है तो उससे भी आप कर सकते हो।
बाकी इधर तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, इधर कुछ खास है नहीं, बाकी इधर भी कुछ नहीं है दोस्तों। कुल मिला के ये वीडियो थी, बाकी अगर आपको कोई और भी डाउट्स है, क्योंकि मैंने इसकी जो स्मार्ट प्रो वाली जो पूरी बुकलेट है वो पूरी पढ़ ली थी, एंड काफ़ी सारे फीचर्स जो थे और बहुत काम के फीचर्स थे वो मैंने सोचा आप सभी के लिए बता दूँ। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, किसी वजह से वीडियो हेल्पफुल लगी तो डेफिनेटली आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑल अबाउट कास्ट चैनल को। टिल देन मी हर्षद साइनिंग ऑफ, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड ड्राइव सेफ।